कैसे हो? सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल नीरज निट्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम तमिलनाडु। सो जैसा कि पिछले ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोग आए थे मदुरई एंड रामेश्वरम। तो अभी मैं रामेश्वरम में ही हूँ और आज है 15 अक्टूबर 2023। टाइम हुआ है, टाइम देख लेते हैं एक बार, मैंने खुद भी नहीं देखा एक्चुअली। सुबह के 8:13 हो रहे हैं और यार ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स आ रखे हैं। हम लोग ना सुबह 5:30 उठने के बावजूद भी अभी तक अब रेडी होके निकलेंगे हम मंदिर के दर्शन के लिए। सो अब जा रहे हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और सीरियसली यार बहुत लेट हो गए। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं गोप्रो लेके नहीं जा रहा, गोप्रो में या चार्ज लगा के जाऊँगा रूम में। अपना आईफोन मैंने जेब में रख लिया है और जितना शूट कर पाऊँगा उससे ही कर पाऊँगा। सो क्वालिटी थोड़ा सा मैच कर जाएगी गोप्रो से, तो आप लोगों को फुटेजेस थोड़ा ठीक लगेंगे। शूट कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो अपने जो पुराने शॉट्स हैं उसमें से कुछ शॉट्स लेके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वॉइस ओवर के थ्रू। और सामने का नज़ारा बड़ा ऐसा है कि मतलब बहुत सारी बोट्स हैं सामने। ये देखो, गोप्रो में तो इतना नहीं दिख रहा होगा। सो बहुत सारी बोट्स हैं सामने ना, बहुत सारी। तो क्या हो गया पर यार ये जो है ना, ये बहुत गंदा लग रहा है देखने में, बहुत गंदा लग के रहा। गंदा है ये तो, गंदा ऊपर से लगे गई। उधर आगे की तरफ पूरा सी है उधर। चलो एक बार देखते हैं, फैमिली मेंबर्स भी रेडी हो गए हैं सारी। ये छोटू हमारा अभी नहा के रेडी हुआ ही है। इश्क की वजह से लेट हुए सारे। सबको लेट कराने वाली लड़की है, सबको लेट कराया। दोस्तों रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आप लोगों को करना पड़ता है 22 कुंडों के जल से स्नान। यह सुबह का समय था जब हम लोग 22 कुंड के स्नान के लिए जा रहे थे। 22 कुंडों के स्नान के लिए आपको एंट्री लेनी होती है नॉर्थ गेट से, और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए एंट्री होती है मंदिर के ईस्ट गेट से, जो कि आप शॉर्ट में हमारे उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे। बाकी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब रावण का वध करने के बाद यहाँ पर लौटे थे तो उनके तरकश में 22 तीर थे। उन्हीं 22 तीरों से प्रकट हुए थे 22 कुंड, जिनका स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्नान करे आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना ही करें, क्योंकि पहले आपको 22 कुंडों के जल से स्नान करना होता है, उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहन के दोबारा दर्शन करने के लिए जाएं मंदिर के अंदर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। गाइस चप्पल वगैरह आप यहाँ मंदिर के सामने भी जमा करा सकते हैं। तो यार ये बस हम पहुँच गए वे टू तीर्थ स्नान मार्ग, और देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इधर ब्लू कलर के बोर्ड पे। देखने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी पर ये भीड़ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कल इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहीं तक करो अभी कर देगा। तो इसके आगे मोबाइल अलाउड नहीं है, बस यहाँ से शूट कर रहे हैं फिर चलते हैं आगे। यार 22 कुंड का स्नान करके हम लोग आ चुके हैं। सो बात ऐसी है कि स्नान करने के बाद आप डायरेक्ट दर्शन करने नहीं जा सकते, आपको ना कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। तो या तो अपने कपड़े आप ना मतलब 22 कुंड के स्नान के बाद साथ ही ले जाओ, वहाँ लॉकर रूम में रखो और स्नान के बाद कपड़े चेंज करो और उसके बाद दर्शन करने चले जाओ। हम लोग कपड़े लेके नहीं गए थे, सो बस ये है कि 22 कुंड का स्नान करके ना मज़ा आ गया। अंदर कैसा है ना कि अलग अलग कुओं में ना 22 कुंड का पानी है, वो निकाल के आपके ऊपर डालते रहते हैं। भीड़ में आप चलते रहोगे और जल छिड़काव होता रहेगा, और देख लो कितना गीला हो गया। पर यार बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब गीले हो गए ना, वो कुंड का पानी था और मज़ा ही आ गया। मतलब चलते हैं कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर आगे मिलेंगे आप लोगों से। सुबह दर्शन करके हम जस्ट निकल चुके हैं ये
सबने दर्शन कर लिए ज्योतिर्लिंग के अच्छे से। सो सीता माता ने जो ज्योतिर्लिंग बनाया था, जो शिवलिंग बनाया था और जो हनुमान जी लाए थे शिवलिंग, वो शिवलिंग हमने देख लिया है। बाकी यहाँ से हम लोग एग्जिट करके आ रहे हैं अभी। दोस्तों, कहा जाता है जब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तो उसका पश्चाताप करने के लिए उन्हें आराधना करनी थी हमारे भगवान शिव की, और उसके लिए उन्होंने हमारे भगवान हनुमान जी को भेजा था हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए। पर उसी दौरान माता सीता ने भी यहाँ पर रेत से एक शिवलिंग बनाया था। वो दोनों शिवलिंग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में हमारे भारतवर्ष से और साथ ही दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपने मोबाइल कैमराज यूज़ कर पा रहे थे, उसी दौरान मैंने भी ये कुछ शॉट्स लिए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं धनुषकोडी, साथ ही आप लोग जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि हम लोग धनुषकोडी किस तरह से गए थे, और साथ ही देखेंगे रामेश्वरम के कुछ लोकल प्लेसेस। सर, टाइम हुआ है 12:01 दोपहर के, और मंदिर के दर्शन करके हम लोग जस्ट आ गए हैं, ऊपर गए, अपने चप्पल जूते पहने और अब लोग हम लोग निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट किसी ने करानी हो, वैसे दिन का टाइम हो गया, तो जो खाने को मिलेगा खा लेंगे, और उसके बाद जाते हैं धनुषकोटी जाना है। विभीषण मंदिर है, राम सेतु है, फ्लोटिंग स्टोन्स हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, अभी धीरे धीरे निकलते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था आप लोगों को कि मंदिर में यार तीन लाइनें होती हैं। एक फ्री वाली लाइन होती है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड लाइन होती है 100 रुपीज़ वाली जिसमें आपको 20-30 मिनट्स लगते हैं, और एक 200 रुपीज़ पर पर्सन वाली लाइन है जिसमें आप सीधा मंदिर के अंदर जाते हो और दर्शन करके बाहर आ जाते हो, ऐसा सिस्टम है। कभी कभी उसमें भी थोड़ी भीड़ हो जाती है, जब डिपेंड करता है लोग कितने आ रहे हैं, तो थोड़ा ये सिस्टम है कि पैसा दोगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, ऐसा वो वाला हिसाब है। बाकी भी चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, अभी अपने होटल के रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए हैं, अपने कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं, अभी हम ऊपर में सिस्टर्स हैं तो वो लोग आ जाए नीचे, फिर चलते हैं बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं वो एरिया देखते हैं एक बार, फिर चलेंगे आगे, जैसे जाएंगे आपको दिखाता हूँ। सो ये है रामेश्वरम में ऑटो स्टैंड, यहाँ पर सारे आपको ऑटोज खड़े हुए मिल जाएंगे। सो ये रहा मंदिर कॉर्नर पर, वहाँ बीच में गेट है, वेस्ट टावर जो मंदिर का है, 200 रुपये पर पर्सन है रामेश्वरम लोकल टूर का। फ़ोटो आप लोगों ने देख ली होगी जिसमें सारे प्लेसेस मेंशन है, जो जो प्लेसेस कवर करेंगे ऑटो से घुमाते टाइम आपको, इसमें धनुषकोडी भी आराम से बैठूंगा, मेरे को नहीं बैठना, सारे ऐसे ही बैठ के जाते हैं। ऑटो में बैठ चुका है हमारा पूरा परिवार, भैया पहले कहाँ जाएगा? अच्छा, पहले विभीषण मंदिर फिर धनुषकोटी। अच्छा, पहले हम लोग जा रहे हैं विभीषण मंदिर, उसके बाद धनुषकोटी, फिर राम सेतु, बाकी जैसे जैसे जाएंगे बताता जाऊंगा। बारिश होने लग गई है, 200 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो का है रामेश्वरम लोकल टूरिज्म, इतना बड़ा ट्रक आ गया आगे। सर, अभी बढ़ रहे हैं विभीषण टेम्पल की तरफ, पूरा मछली की स्मेल आ रही है, सांस लेना दुश्वार हो रहा है, पूरे में फिश की स्मेल आ रही है पूरे में। हम पापोर में बैठे नीचे, मम्मी और ऊपर। दोस्तों, यहाँ के ऑटो वाले आपको 200 रुपये पर सवारी बोलकर ले तो जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये रहती है कि आप सारी जगह कवर ना कर पाएं, और अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो वो 200 रुपये से आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, आपको किसी जगह ठीक से रुकने भी नहीं देंगे। तो रिकमेंडेड है कि आप लोग टैक्सी बुक कर कर जाएं। पूरा समुद्र है आगे ना, आगे पूरा सी है उधर, इसलिए बढ़िया मस्त हवा आ रही है। पता नहीं क्यों साउथ वाला एक्सेंट आता जा रहा है मेरे भाषा में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों से मैं बात करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से।
वाले हैं, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। यार पहुंच चुके हैं विभीषण टेंपल और आगे से चल के देखते हैं एक बार विभीषण टेंपल कैसा है। दोस्तों मंदिर में लिखित जानकारी के अनुसार विभीषण जी रावण द्वारा लंका से निकाले जाने के बाद यहां श्री राम की शरण में आए थे। तब हनुमान जी ने उनका बहुत साथ दिया था कि राम जी उन्हें अपनी शरण में ले लें, और उन्हें बताया भी था कि जब राम जी लंका में गए थे तब विभीषण जी ने कैसे उनका साथ दिया था, और विभीषण जी एक ऑनेस्ट मैन है, इस तरह की बातें हनुमान जी द्वारा कही गई थी, ऐसा मंदिर में जानकारी में लिखा भी है। दोस्तों इस शॉट में अब सामने जो थोड़ा सा लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं, वहां पर हाल की पानी भी नहीं है, वहीं पर दिखाया जाता है फ्लोटिंग स्टोन। पहुंच चुके हैं धनुषकोडी, इस रोड से आ रहे हैं हम कन्याकुमारी 323 किलोमीटर, और ये है पूरा इंडिया का एंड। तो यहाँ ये शॉप्स वगैरह भी हैं कुछ, अगर आपको ऑर्नामेंट्स वगैरह लेने हो, घर की सजावट का सामान, और ये है वो पुराना चर्च जो अब के टाइम पे तहस नहस हो रखा है। दोस्तों 1964 में आए साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से ये चर्च पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अब कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से यहाँ की ईंटें निकाल निकाल कर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। एक बहुत पुरानी धरोहर है और इसके लिए भी बात भी चल रही है, इसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए। पुराने समय में भी ये एक बहुत ही जाना माना टूरिस्ट प्लेस था, और इसी तरह की एक मार्केट यहाँ पर हुआ करती थी, साथ ही पास में एक विलेज भी था यहाँ पे। आप जब धनुषकोडी की तरफ चलते हैं तो आपके राइट साइड में ये चर्च पड़ता है, लेफ्ट साइड में एक पुरानी इमारत और है जहाँ पर आपको पुराने समय की रेल की पटरी देखने को मिलती है। दोस्तों इस चर्च के पीछे आपको बहुत खूबसूरत बीच देखने को मिलता है, जो कि आप आने वाले शॉट में देखेंगे। अभी दोस्तों आप जब धनुषकोडी आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके सीधे हाथ की तरफ का समुद्र लहरों से भरा है, काफी उफान वाला समुद्र है, लेकिन आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे अपने उल्टे हाथ का समुद्र जो कि बहुत शांत है। मैं इसके पीछे की स्टोरी भी आप लोगों को बताऊंगा।